दोस्तों, अगर आपके WhatsApp पर कोई मैसेज भेजकर और डिलीट कर देता होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते होंगे कि भाई आखिर उसने भेजा क्या था जो कि डिलीट कर दिया और मैं देख भी नहीं पाया। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको एक ऐसा सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि अगर ये मैसेज कोई भेजकर आपको डिलीट कर दिया है तो वो आप मैसेज कैसे रीड कर सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन के। जी हाँ, आपको अपने फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है। मैं आपको जिस तरह से जो सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग आप अपने फोन में जब कर लोगे तो ये मैसेज आप पढ़ पाओगे। तो कैसे सब कुछ करना है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जी हां, आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा, आपको बस अपने फोन का सेटिंग्स ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर ये जो नोटिफिकेशंस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको इस नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग्स में आ जाना होगा। एडवांस सेटिंग्स में आप जैसे ही आओगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन कर लेना होगा और यहां पर ये आप देख सकते हो पहले से ये बंद है, ऑफ बता रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे आपको ऑन कर लेना है। ऑन हो गया, आपका काम हो चुका है। अब आप आसानी से ये जो मैसेज आपका डिलीट हो गया है वो आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर चलिए मैं अब दूसरे फोन से, अपना जो दूसरा फोन है उससे जो है वो मैं कोई सा भी मैसेज कर देता हूं। ठीक है, मैसेज ये मैंने कर दिया, ये देखिए यहां पर मैसेज आ गया। ठीक है, मैसेज आ गया। अब उसके बाद इस मैसेज को मैं डिलीट भी कर देता हूं, यहां पर डिलीट फॉर एवरीवन। तो मैंने अपने दूसरे फोन से उस मैसेज को डिलीट कर दिया। अब जैसे कि मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं व्हाट्सअप, ठीक है, यहां पर मैं व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूं। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद यहां पर देखिए पहले तीन था लेकिन अभी यहां पर यह डिलीट हुआ। अब यहां पर मुझे इस मैसेज को पढ़ना है कि आखिर इसने भेजा क्या था। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इसे कट करना है। कट करने के बाद आपको अपने फोन की सेटिंग्स को फिर से ओपन कर लेना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नोटिफिकेशंस में आ जाना है। नोटिफिकेशंस में आओगे तो यहां पर एडवांस सेटिंग्स, फिर से यहां पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो जैसे ही नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आओगे दोस्तों तो यहां पर आपका जो है वो मैसेज दिख जाएगा कि क्या उसने भेजकर डिलीट किया है। ये देखिए यहां पर इसने क्या भेजकर डिलीट किया था वो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको फिर से एक चीज और कर दिखाता हूं। मैं यहां पर फिर से कोई सा भी मैसेज कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर जैसे कि ये मैंने किया आई लव यू, ठीक है, आई लव यू मैंने यहां पर लिखा और इसे चलिए मैं भेज देता हूं। ये मैसेज आ गया, सबसे पहले इसे कट करना होगा। ठीक है, फिर से मैं यहां पर मैसेज कर रहा हूं आई लव यू, ठीक है, मैंने भेज दिया, मैसेज यहां पर आ गया, देखिए ऊपर में शो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं इस मैसेज को डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, डिलीट फॉर एवरीवन, ये मैसेज डिलीट हो गया। अब चलिए मैं यहां पर व्हाट्सअप जैसे ही ओपन कर रहा हूं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि यार मतलब कि क्या भेजा था। देखिए ये मैसेज यहां पर डिलीट हो गया। तो इस मैसेज को देखने के लिए बस वही सेम प्रोसेस है, बस आपको अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, नोटिफिकेशन एडवांस सेटिंग्स, उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आओगे तो ये मैसेज आपको दिख जाएगा। आई लव यू यहां पर मैसेज भेजकर डिलीट किया गया है, वो मैसेज आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही कमाल का ये सेटिंग है, आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है फिर भी आप डिलीटेड मैसेज को आसानी से रीड कर पा रहे हो। तो कैसा लगा ये सेटिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।